हेलो फ्रेंड्स, ये दोपहर का है। अभी मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ, उतनी धूप है और ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ मैं। और देखिए, इतनी सारी यहाँ पर कचरा जमा है, तो मैं आपको बैक कैमरे से ही दिखा देती हूँ। मैं बात करना चाह रही थी लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। अभी ये देखिए, कुछ काम स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा कर कर मैं धीरे धीरे से कर कर मिट्टी वगैरह मैं हटा रही हूँ, और सारे में मिट्टी ड्रम कर रही हूँ, सूखे हुए पौधे हटा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ पर भर कर रखूँगी। तो ये सुबह का नज़ारा था। कुछ शाम तक मैंने काम यहाँ पर किया, दोपहर से, मतलब अभी 11 बजे हैं। फिर मैंने 2 बजे से काम स्टार्ट कर दिया। 2 बजे के बाद का जो जो मैंने किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी थोड़ी बहुत मुझे रखनी भी है पौधे, तो फिलहाल थोड़ी थोड़ी ही मैं कर पा रही हूँ। अभी देखिए हालत कैसी है इस सब की। बस पॉट्स निकाला है, उस तरफ डाल दिया है, और सारे मैंने मिट्टी डम कर रही हूँ, जो सूखे हुए थे उन्हें मैंने हटा रही हूँ। बस इतना ही काम हो पा रहा है। देखते हैं, अभी मैं सोचते सोचते करूँगी कि क्या क्या करूँगी, कहाँ से शुरू करूँगी और क्या क्या और आज हो पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है कि एक दिन में नहीं हो पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है। देखिए, थोड़ी बहुत आज काम भी की हूँ मैं, और थोड़ी सी गार्डन को मैं ठीक कर पा रही हूँ धीरे धीरे कर कर। देखिए, सारे हिबिस्कस को मैंने यहाँ पर रख दिया है और कनेर को सारे यहाँ पर रख दिए। मेरे आने के बाद अच्छी सी पानी वगैरह देने के बाद थोड़ी बहुत मैंने मैन्योर भी दिए हैं इनको, लिक्विड टी बनाकर, फर्टिलाइज़र एक बार मैंने दी है गोबर का लिक्विड टी बनाकर, फिर उसके बाद मैंने एक बार दी है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो थोड़ी बहुत अभी सब में कलियां भी बनने लगे हैं, फ्लावर्स भी अच्छे बनने लगे हैं। तो धीरे धीरे कर कर थोड़ी थोड़ी सी यहाँ तक ही मैं कर पा रही हूँ। अभी वहाँ का पूरा बिखरा पड़ा है, नहीं हो पा रहा है, तो जितना होता है उतना ही मैं थोड़े थोड़े धीरे ही सही कर कर रख लूँगी। तो अभी तो जो जो प्लांट्स बचे हैं, जो जो मुझे ठीक करना है, उनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ। बाकी तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ वहाँ पर। तो अभी देखिए, जो कटिंग्स लगे थे वो सब लगे हैं, तो थोड़ी सी मैंने ऊपर इनको धूप में लगाई हूँ। बिल्कुल भी वहाँ धूप नहीं लग रहे थे, तो लगी से उन्हें होकर सूख रहे हैं। ऐसे लगी से होते हैं, ऐसे स्टैंड थे, फिर ये लगी से हो रही है, फिर सूख रही है। तो इसकी वजह थी कि इनको धूप नहीं, बिल्कुल भी वहाँ पर धूप नहीं आ रहा, तो मैंने उनको उठाकर रख दिया है। अभी कोलियस की कटिंग देखी, ये वाली एक ग्रीन वाली एक, और ये पिंकिश में है, और एक है उधर। तो तीन तरह के कोलियस जो है वो अभी ठीक है। और यहाँ पर जितने भी ये बचे थे क्रेसेंथीमम के, और ये मैंने जो लाई हूँ वो वाली है, और एक वहाँ पर रख दी है। मैंने इनको भी ऊपर आज ही लेकर आई हूँ, और ये भी, और क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं था, तो जितने जितने हो सके थोड़ा थोड़ा कर कर मैं भर कर भी रख रही हूँ। और एक ये हॉलीहॉक का प्लांट है, अभी थोड़ी वहाँ पर सीड्स भी मैं डाली हूँ। तो ये देखिए, छोटे छोटे यहाँ पर दो बैठे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये सब खा रहे पत्तियाँ वगैरह खा कर, देखिए कैसे कर रहे हैं इसको। और ये ग्रीन में बिल्कुल भी नहीं दिख रही, तो ये उसी टाइम का है, इसको पानी नहीं मिला तो ये भी लगी सा हो गया। अभी देखिए मिली बग्स भी लग रहे हैं, पता नहीं कौन से कहाँ से ठीक करना है। और ये येलो वाले क्रेसेंड्रा है, तो हिबिस्कस सारे बचे हुए हैं, और इन इनमें जो भी पत्तियां वगैरह सूखे हुए थे उनको ठीक करने के बाद देखिए नए नए पत्तियां वगैरह आने लगी हैं। तो ये भी सारे नए नए पत्तियां वगैरह आने लगी हैं, तो उन्हें कट कर कर कटिंग भी की है मैंने, तो रख दी है। और ये देखिए 4 o'clock फ्लावर्स खिले हैं, और इनमें एक कलर आया है, देखिए ये रेडिश में शेड में आया है अपने आप ही, तो येलो ही था तो शेड में आया है। तो यहाँ से यहाँ पर एक कोलियस जो है वो बची हुई है देखिए, और हैंगिंग वाले ठीक है, और इसमें देखिए फ्लावर्स आने लगे, देखिए कितने अच्छे से फ्लावर्स वगैरह आने लगे।
और कुछ हैंगिंग वगैरह यहाँ पर रखी हूँ और कुछ सारे यहाँ पर रखती हूँ। और यहाँ पर सारे कलन चुके हैं, धीरे धीरे कर कर थोड़ी सी रिकवर हो रहे हैं। और सारे सेक्युलेंट नीचे का भी मैंने ऊपर लाकर यहाँ पर रख दी हूँ। देखिए ये वाला मैंने नीचे से लाकर रख दिया है और ये वाला मैंने रख दिया है और ये वाला भी मैंने यहाँ पर। तो धीरे धीरे कर कर सारे मैंने वहाँ पर, इंग्लिश आई भी एक है और यहाँ पर, तो मैंने इन सबको लाकर यहीं पर रख दिए। थोड़ी क्लीनिंग भी की है मैंने, साफ सफाई कर कर ही रखी हूँ क्योंकि बाद में फिर से ये काम नहीं हो पाता है मुझसे। और येलो कनेर का एक फ्लावर प्लांट एक लेकर आई हूँ मैं, अभी लगाए नहीं लगाऊंगी। और थोड़ी थोड़ी जहाँ पर होती है वहीं पर मैं थोड़ी थोड़ी सी प्लांट्स रखते और लगाते जा रही हूँ। और ये देखिए प्लांट्स, ये सूख रहा है फिर से, जैस्मिन का प्लांट मेरे यहाँ, बस यही काम होता रहता है। ये वाला प्लांट लगता ही नहीं है, क्यों मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। फिर ऐसा लग रहा है कि ये मुझे लगानी है, मुझे इसकी फ्लावर्स अच्छी भी लगती है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर एक कोलियस है, ये भी बची हुई है वहाँ पर, वो पिंक शेड वाली है। और उसके बाद और एक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सारे रोज़ प्लांट्स देखिए, मेरे रोज़ प्लांट्स देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। और ये सभी नए पत्तियाँ वगैरह आ रही है। और ये सारा टमाटर वही धूप में लाल हो गए थे, तो इसको हम यहीं पर रख दिए, निकाल लेंगे। और ये देसी वाली है तो ये भी फ्लावर बन रही है। और यहाँ पर सारे पत्तियाँ वगैरह खिल रही है और सारे पत्तियों के साथ ये सब ना, ये कली है, ये कली है, यहाँ पर एक कली है, यहाँ पर दो कली है, नहीं एक ही है, और यहाँ पर एक, तो इस तरह से कलियाँ भी बन रही है। शायद ये सूख रहा है, सूखा हुआ है, दो प्लांट सूख गए गुलाब के, पता नहीं वो शूट्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, पता नहीं, नहीं निकलेगा शायद वो वाली प्लांट से, तो ये बची हुई। और ये सब जो अभी फ्लावरिंग आएगा समर में, अमेरलेस लिली का है और वहाँ पर सारे लिली का प्लांट्स है, तो उन सबको भी मैं इकट्ठा कर लूँगी बाद में ये सब क्लीन होने के बाद। और पारिजात का एक प्लांट गया है और एक प्लांट बचा हुआ है। और ये देखिए मैंने कहाँ से कहाँ फैलाई हूँ, अभी पता नहीं कब करूँगी, ठीक करूँगी पता नहीं। तो सारे मिट्टी को मैंने डम कर मिला कर फिर से मैंने पॉटिंग में रख दिए, एक 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 उठा कर वहाँ मुझे रखनी है, बस थोड़ी थोड़ी सी काम हो रही है। और ये अमृत भी बड़े हो रहे हैं पानी मिलने के बाद, बहुत ही अच्छी सी, ये देखिए बहुत अच्छी सी ये बड़े हो रहे हैं, इसमें मिली बक्सा रहे। और ये देखिए किस, ये सारी सूखी हुई पत्ती को हटा रही हूँ और नए पत्तियाँ भी इसमें आ रही हैं। तो ये देखिए सब थोड़ी बड़ी साइज की हो रही, अच्छा लगा। और नींबू में भी नए पत्तियाँ, बस अभी रेगिस्तान से उठकर आए हैं ऐसे लग रहे हैं सारे पौधे मेरे, तो बस ये सब कब ठीक होगा पता नहीं। और इतनी जल्दी भी नहीं हो पाएगा, नहीं करूँगी मैं, धीरे धीरे बहुत धीरे से करूँगी। वैसे फिलहाल वही मैंने जल्दी ही ठीक कर लिया है, एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो सब मैं थैली में भर कर रख लूँगी। और जितने भी ये कवर्स थे सारे मैं निकाल रही हूँ, अभी मैं नहीं रखूँगी इन सबको, इनको एक सीज़न के लिए ही काफ़ी रहता है, फिर बार बार यूज़ नहीं कर सकते इन सबको, तो मैं निकाल रही हूँ अभी इनको। तो ये सब कंपोस्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने डाला है, बस इतनी सी सूखी है, बाकी जितने भी सूखी पत्ती वगैरह थे मैंने कुछ में जो है इन सब की कलियाँ भी लगाऊंगी मैं, अभी स्टार्ट कर दूंगी लगाना, इनको खाली कर दूंगी। ऐसे सारे पॉट्स में मैंने ऐसे डाल दिए हैं, इसकी भी कटिंग हो चुकी है, इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से डाल दी है और इसकी भी सारी कटिंग हो चुकी है, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है, जो नए आ रहे हैं उनको छोड़ दिया। देखिए ये सब कटिंग वगैरह कर कर मैंने रख दी है, इसको अभी हटाना है। अभी इन सब में पौधों में पानी वगैरह डालने के बाद ये अच्छी हुई है, तो बस उसमें है फुटबॉल लिली
इस पर है ग्लैडुलस के तीन, इसमें ग्लैडुलस के बल्ब्स हैं। थोड़ी मैं इन्हें साइड पर कर लूँगी, ये सब भी क्लीन होने के बाद। उसमें हल्दी है, हल्दी भी निकाला। तो धीरे धीरे कर कर थोड़ी थोड़ी सी हो रही है ठीक ठाक। तो फ्रेंड्स बाय।